हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बताना चाहता हूं कि एडलवाइस टोक्यो लाइफ के प्रीमियर गारंटेड इनकम प्लान की ऑलरेडी दो वीडियो हमने आपके साथ शेयर की है। प्रथम भाग में हमने इस प्लान का जो प्रथम ऑप्शन है जिसका नाम है लमसम ऑप्शन की डिटेल को बताया है उदाहरण के साथ में। इसी के साथ एक एडिशनल फीचर है या कहें कि ऑप्शनल एक ऑप्शन है जिसका नाम है फैमिली इनकम बेनिफिट, उसको भी बताया हुआ है प्रथम भाग में जो चारों ऑप्शन के साथ आपको मिलता है। और इस प्लान का जो दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट टर्म इनकम ऑप्शन, उस वीडियो का जो थंबनेल है आपकी स्क्रीन के ऊपर है आपकी पहचान के लिए। और ये दोनों ही वीडियो आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रीमियर गारंटेड इनकम प्लान के ऑप्शन नंबर 3 लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन की डिटेल को। शुरू करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। इस ऑप्शन के साथ में जो आयु सीमा रखी गई है वो है 0 से लेकर 65 साल तक की, और जो मेच्योरिटी एज का सीमा रखा गया है वो है 22 साल से लेकर 99 साल तक का। सभी ऑप्शन के साथ में मिनिमम सम अश्योर्ड का जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए का, ये चीज आप जानते ही हैं। अब हम जानते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म की लिमिट। तो अगर आप 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो 22 साल, 27 साल, 32 साल और 37 साल का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन आपको मिलता है। 8 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 25 साल, 30 साल, 35 साल और 40 साल का आपको पॉलिसी टर्म का ऑप्शन मिलता है। और 10 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 27 साल, 32 साल, 37 साल और 42 साल तक का आपको पॉलिसी टर्म का ऑप्शन मिल जाता है। अगर कोई 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेता है तो 12 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 29 साल, 34 साल और 39 साल का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन आपको मिल जाता है। बात आती है मिनिमम प्रीमियम की लिमिट की और मोड ऑफ प्रीमियम की, तो वो चारों ऑप्शन में सेम है जैसा कि पिछले भाग में बताया। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन को लेते हैं तो इसमें आपको 2 सब ऑप्शन मिलते हैं, राइट। पहला ऑप्शन है कि लमसम बेनिफिट के साथ ही ऑप्शन ले, दूसरा ऑप्शन है कि लमसम बेनिफिट के बिना लें। अब लमसम बेनिफिट के बिना का मतलब है कि खाली आप इनकम बेनिफिट लेते रहें, आपको मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं चाहिए, राइट। और देखिए जो थर्ड ऑप्शन है शॉर्ट टर्म इनकम ऑप्शन, उसमें मेच्योरिटी ऑप्शन हमें नहीं मिलता, यानी कि लमसम ऑप्शन का बेनिफिट नहीं है। तो इट मींस कि अगर हमें मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं चाहिए तो हम शॉर्ट टर्म इनकम ऑप्शन ले सकते हैं। अगर हमें इनकम बेनिफिट के साथ में मेच्योरिटी बेनिफिट चाहिए तो हम लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन को देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म इनकम के केस में अगर आप फैमिली इनकम बेनिफिट को इंक्लूड करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको मेच्योरिटी बेनिफिट भी मिले और आप 5 साल का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म लेना चाहते हैं तो 18 से 45 साल की आयु के साथ आप ऐसा कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अदर प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो 18 से 50 साल की उम्र की लिमिट रखी गई है। अगर आप लमसम बेनिफिट यानी कि मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं चाहते और 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो फैमिली इनकम बेनिफिट के लिए 18 से 50 साल तक की आयु सीमा होगी। अगर आप मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं चाहते हैं और अदर प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं यानी कि 5 साल का नहीं, तो ऐसे में आयु सीमा 18 से 65 साल की होगी। अब बात करते हैं बेनिफिट की। तो सबसे पहला बेनिफिट है इसमें इनकम बेनिफिट, जो कि आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म के कंप्लीट होने के बाद के जो 2 साल होंगे वो खत्म होने के बाद से ये शुरू होगा। फॉर एन एग्जांपल 10 साल का अगर आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म ले लिया तो 2 साल निकल गए यानी कि 12 साल निकल गए। अब 13वां साल जो कंप्लीट होगा और आप सालाना मोड लेंगे तो 13वें साल का जब 12वां महीना कंप्लीट होगा तब आपको इनकम बेनिफिट मिलना शुरू होगा। और मंथली लेंगे तो 13वें साल का जब पहला महीना कंप्लीट होगा तब आपको मासिक मोड पे आपको गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से तिमाही का यहाँ पे बताया है कि 3रा महीना खत्म होने पे और छमाही का 6ठा महीना खत्म होने पे। ये चीज यहाँ पे समझिएगा जरूर, क्योंकि जब कैलकुलेशन करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। और जो इनकम बेनिफिट का जो अमाउंट होगा वो एक निश्चित प्रतिशत होता है आपके सालाना बेसिक प्रीमियम का, जिसे हम एनुलाइज प्रीमियम बोलते हैं। और ये जो निश्चित प्रतिशत होता है ये फिक्स नहीं होता है, ये वेरी करेगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आपने पॉलिसी टर्म क्या लिया है, प्रीमियम पेमेंट टर्म आपका क्या है, एंट्री एज लिमिट के अनुसार आपकी एंट्री एज क्या रही है, प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं, मोड ऑफ इनकम बेनिफिट आपने क्या लिया है, राइट। बात आती है मेच्योरिटी बेनिफिट की, तो आपको जब ही मिलता है जब आप लमसम बेनिफिट को ऑप्ट करते हैं। तो ऐसे में जो मेच्योरिटी बेनिफिट होगा वो आपके सालाना प्रीमियम का 10 गुना या आपका जो एनुअल प्रीमियम है सालाना प्रीमियम है उसमें आप प्रीमियम पेमेंट टर्म का गुणा कर देंगे, दोनों में से जो हाई होगा वो आपका मेच्योरिटी बेनिफिट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आएगी डेथ बेनिफिट की। तो डेथ बेनिफिट हमें पता है कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ इस प्लान के अंदर हमें मिलता है, बड़ी इजीली हमें ये चीज बताई जाती है। अब ये सम अश्योर्ड ऑन डेथ है क्या, हमारा जो एनुअलाइज्ड प्रीमियम है उसका 10 गुना या फिर जो हमारा इसमें एनुअल प्रीमियम है उसका 10 गुना। ये एनुअल प्रीमियम एनुअलाइज्ड प्रीमियम क्या होता है पिछले भाग में बता चुका हूँ। थर्ड ऑप्शन आता है कि एब्सोल्यूट अश्योर्ड अमाउंट टू बी पेड ऑन द डेथ, इन तीनों में से जो ज्यादा होता है वो सम अश्योर्ड ऑन डेथ होता है।
अब बात आती है यहाँ पे कि जो एब्सोल्यूट अशोर्ड अमाउंट है ये एग्जैक्टली होता क्या है। इसे जानने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप वीडियो को यहाँ पे फुल स्क्रीन पे कर लीजिए, तभी आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर नजर आने वाली है। क्योंकि प्रीवियस भाग में जो मैंने आपको बताया वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में से लेके आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं इस समय शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो एब्सोल्यूट अशोर्ड अमाउंट होता है, अगर आपने फैमिली इनकम बेनिफिट ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया है, यदि अगर सिलेक्ट किया है केवल क्रिटिकलनेस के लिए किया है, तो ऐसे में जो एब्सोल्यूट अमाउंट शोर्ड टू बी पेड ऑन द डेथ होगा वो कुछ कैलकुलेशन किया जाएगा कि आपका जो सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी है उसमें डेथ बेनिफिट फैक्टर का गुणा कर दिया जाएगा, यानी कि डेथ बेनिफिट फैक्टर 1 का, जैसा कि आप स्क्रीन पे समर देख रहे हैं, उसमें फिर जोड़ दिया जाएगा आपका जो आपका इनकम बेनिफिट का इंस्टॉलमेंट होगा पे आउट का, उसमें गुणा करेंगे डेथ बेनिफिट फैक्टर 2 का और डेथ बेनिफिट फैक्टर 3 का। टोटल जो अमाउंट होगा या अशोर्ड अमाउंट पेड टू बी डेथ ऑन हो जाएगा, जिसे आप एब्सोल्यूट अमाउंट अशोर्ड भी कह रहे हैं टू पेड ऑन द डेथ एज पर द स्क्रीनशॉट। लेकिन अगर आपने फैमिली इनकम बेनिफिट ऑन क्रिटिकलनेस और डेथ को सिलेक्ट किया होगा तो जो अशोर्ड एब्सोल्यूट अमाउंट होगा ये निल होगा, जीरो होगा। प्लान में किसी भी कंडीशन में जो मिनिमम डेथ बेनिफिट है वो टोटल पेड प्रीमियम का 105% होगा ही, ये चीज मैंने आपको बताई थी, ऐसा आप इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अभी जो डेथ बेनिफिट फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 है, इसके लिए आपको इनका पॉलिसी डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे और मैं बताऊंगा कि कौन से पेज नंबर पे आपको ये मिलेंगे, तो हम उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान के हैं जिनकी आयु यहाँ पे 32 साल की है, ऐसे में जो यहाँ पे वो पॉलिसी टर्म ले रहे हैं वो 27 साल का ले रहे हैं, 10 साल का ले रहे हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो ऐसे में जो इनकम बेनिफिट पे आउट पीरियड यानी कि जो गारंटेड इनकम बेनिफिट पे आउट पीरियड होगा वो 15 साल का हो जाएगा। वो चाहते हैं कि इनकम बेनिफिट इनको सालाना मिले, और ऐसे में जो सालाना प्रीमियम वो यहाँ पे कर रहे हैं 1,00,000 रुपए से कम इन्होंने रखा है, यानी कि 80,000 रुपए पे कर रहे हैं, तो लाइफ कवर जो हो जाएगा इनिशियली वो इसका 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 8,00,000 रुपए का इनका लाइफ कवर अमाउंट यहाँ पे हो गया। हम मान के चल रहे हैं कि श्रीमान ए जो श्रीमान के हैं वो फैमिली इनकम बेनिफिट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन को ले रहे हैं लमसम बेनिफिट के साथ में, क्योंकि अगर लमसम बेनिफिट नहीं लेना है तो फिर शॉर्ट टर्म इनकम ऑप्शन जो प्लान का ऑप्शन नंबर 2 है वो इनफ है। अगर आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, वीडियो लगातार देख रहे हो, तो आपको ये बात जरूर समझ आ रही होगी। वीडियो को फुल स्क्रीन पर ही रखिएगा। हमने प्लान का जो ऑप्शन लिया है वो है लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन विद लमसम बेनिफिट, राइट, और हमने इसमें फैमिली इनकम बेनिफिट को इंक्लूड नहीं किया है। सालाना जो हमारा प्रीमियम है वो भी 1,00,000 रुपए से हमारा कम है। 10 साल का हमने लिया यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म और 27 साल का हमारा पॉलिसी टर्म, और जो उम्र है वो 32 साल की है, तो ऐसे में जो इनकम पे आउट का जो फैक्टर है वो 115.29 का है, राइट। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ तो ये पीडीएफ आप ऑलरेडी चेक कर चुके होंगे। तो पॉलिसी का जब 13वां साल कंप्लीट हो जाएगा तब इनको पहला इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा गारंटेड इनकम बेनिफिट का। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 80,000 में हम गुणा कर देंगे 115.29 का, उसको 100 से हम डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से इस रेट को आप अपने सालाना प्रीमियम पे अप्लाई कर देंगे, तो 92,232 रुपए इनको सालाना यहाँ पे गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलता रहेगा। अब हम यहाँ पे टोटल करने के लिए क्या करेंगे, जो पे आउट पीरियड था 15 साल का उसका हम गुणा कर देंगे 92,232 में, तो 13,83,480 रुपए गारंटेड इनकम बेनिफिट, या आप कह सकते हैं कि इनकम बेनिफिट पे आउट का अमाउंट हो जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको मैच्योरिटी के लिए बताया था कि लमसम बेनिफिट हमने चुना है लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन में, तो सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी मिल रहा है 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम या प्रीमियम पेमेंट टर्म का गुणा कर देंगे एनुअल प्रीमियम में, राइट। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे, एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि आप स्क्रीनशॉट भी लगाएं, तो इस हिसाब से जो हमारा सालाना प्रीमियम में 80,000 है, हम चाहे प्रीमियम पेमेंट टर्म का गुणा कर ले चाहे उसका 10 गुना कर ले, आएगा हमारा जो एग्जांपल है उसके अनुसार 8,00,000 ही, तो मैच्योरिटी पे इनको 8,00,000 रुपए और मिल जाएंगे। अब डेथ बेनिफिट को समझते हैं। मान लेते हैं कि श्रीमान के की जो मृत्यु है पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट होने पे हो जाती है, तो मिनिमम गारंटेड डेथ बेनिफिट क्या कहता है, 105% टोटल पेड प्रीमियम का। टोटल पेड प्रीमियम कितना कर लिया हमने 8,00,000 रुपए, तो 8,00,000 का 105% निकाल लेंगे तो 8,40,000 रुपए का अमाउंट हो गया, ये हमारा मिनिमम गारंटेड डेथ बेनिफिट हो गया। इसके साथ साथ जो डेथ बेनिफिट हमने देखे थे, मैंने आपको बताया था, उसमें हमने ये भी कहा था कि 10 गुना निकालते हैं एनुअलाइज प्रीमियम का, तो 8,00,000 रुपए का अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे एनी एब्सोल्यूट अमाउंट अशोर्ड, यानी कि सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी में हम गुणा कर देंगे डेथ बेनिफिट फैक्टर 1 का, फिर उसमें जोड़ देंगे इनकम बेनिफिट पे आउट इंस्टॉलमेंट में गुणा करके डेथ बेनिफिट फैक्टर 2 और डेथ बेनिफिट फैक्टर 3 का। सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी का अमाउंट हमें पता ही है, इनकम बेनिफिट पे आउट का इंस्टॉलमेंट भी हमें पता है, तो डेथ बेनिफिट फैक्टर 1 और 2 और 3 हमें जानने हैं। अब देखिए जो डेथ बेनिफिट फैक्टर 1 है ये डिपेंड करता है कि मरने से पहले कितने महीने पॉलिसी के कंप्लीट हो चुके थे, उसके आधार पे आपका डेथ बेनिफिट फैक्टर 1 निकल के आता है। 10 साल यहाँ पे पूरे हो गए थे यानी कि 120 महीने, तो ऐसे में 0.5232 का यहाँ पे डेथ बेनिफिट फैक्टर 1 आ जाता है।
ये हमने कहाँ से लिया है इसको जानने के लिए अभी हम आपको बताते हैं। आग्रह करेंगे वीडियो को फिर से फुल स्क्रीन पे कर लीजिए। जैसा कि आपको बताया था कि अगर डेथ बेनिफिट फैक्टर वन की बात करेंगे तो जो जितने महीने कंप्लीट हो गए उसके अनुसार डेथ बेनिफिट फैक्टर वन आएगा। स्क्रीन पे आपने देख लिया 120 महीने कंप्लीट होने पर 0.5232 है। डेथ बेनिफिट फैक्टर टू की बात करें तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि इनकम बेनिफिट पे आउट स्टार्ट होने में कितने महीने बचे थे, तो 2 साल बचे थे यानी कि 24 महीने, तो 0.8775 था। अब आता डेथ बेनिफिट फैक्टर थ्री। हमने यहाँ पे एनुअल मोड लिया है, अगर हाफ ईयरली ईयरली या क्वार्टरली लेते, आई मीन टू से अगर हम हाफ ईयरली क्वार्टरली मंथली लेते तो फैक्टर अलग होता। ये डिपेंड करता है कि आउटस्टैंडिंग मंथ कितने बचे हैं पे आउट पीरियड के। तो हमारा तो पे आउट पीरियड यहाँ पे चालू ही नहीं हुआ, उससे पहले डेथ हो गई, तो यानी कि 180 महीने हो गए टोटल, क्योंकि 15 साल का था, तो उसके अनुसार हमारा डेथ बेनिफिट फैक्टर 3 यहाँ पे आ गया, जैसा आपने स्क्रीन पे देखा। अगेन इनकम बेनिफिट पे आउट पीरियड हमारा शुरू होना था 2 साल के बाद प्रीमियम पेमेंट टर्म के, तो 24 महीने वो, और जो इनकम बेनिफिट पे आउट पीरियड था हमारा 15 साल का था, 15 साल को आप मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे तो 180 महीने ही होगा, राइट। और इसके साथ में हमें यहाँ पे ये भी पता है कि जो प्रीमियम पेमेंट टर्म था हमारा 10 साल का था यानी कि 120 महीने का। आई थिंक ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, आपने डेथ बेनिफिट फैक्टर भी देख लिए स्क्रीन के ऊपर, राइट। तो हम क्या करेंगे, एनी एब्सोल्यूट अशोर्ड अमाउंट को हम यहाँ पे निकाल लेंगे, या अमाउंट अशोर्ड को 800,000 रुपए हमारा क्या है, सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी, उसमें हम डेथ बेनिफिट फैक्टर 1 का गुणा कर देंगे 0.5232 का, तो 418,560 रुपए का अमाउंट आ जाएगा। अब हम इसमें जोड़ देंगे जो हमारा एनुअल पे आउट है इनकम बेनिफिट का 92,332 में डेथ बेनिफिट फैक्टर 1 और 2 का गुणा कर रहे हैं 0.8775, फिर गुणा कर रहे हैं 9.3040 का, समाप्त कर देंगे तो 1,71,566 रुपए का एनी एब्सोल्यूट अमाउंट यहाँ पे आ गया। तो यानी कि श्रीमान के नॉमिनी को यहाँ पे सम अशोर्ड ऑन डेथ के रूप में क्या मिलेगा, एनुअलाइज प्रीमियम का 10 गुना हमें पता ही है, मिनिमम गारंटेड डेथ बेनिफिट हम जानते ही है, और एनी एब्सोल्यूट अशोर्ड अमाउंट भी हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तीनों का हम कंपैरिजन कर लेंगे तो हमें पता है कि जो एब्सोल्यूट अमाउंट अशोर्ड टू बी पेड ऑन द डेथ है 1,71,566 का, यही ज्यादा होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो एब्सोल्यूट अमाउंट है ये कोई गारंटेड नहीं होता, राइट, क्योंकि अगर आगे चल के कंपनी ने पॉलिसी में कुछ चेंजेस करे, फैक्टर में कुछ तब्दीली करी, तो ये अमाउंट घट बढ़ भी जाएगा। ये सिर्फ एक तरीका है आपको बताने का, राइट, कि इस तरीके से कैलकुलेशन की जा सकती है, कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा ही होगा, ध्यान रखिएगा ये चीज। गारंटेड सरेंडर वैल्यू की बात करें तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा किया जाएगा टोटल पेड प्रीमियम में, उसमें से घटा दिया जाएगा जितना भी आपको इनकम बेनिफिट मिल चुका होगा, आपका गारंटेड सरेंडर वैल्यू आ जाएगी। पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए कम से कम 2 साल लगातार प्रीमियम पे करना अनिवार्य है, तभी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। बात करें लोन की, तो अगर आपने लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन को फैमिली इनकम बेनिफिट ऑप्शन के साथ में अगर लिया होगा तो सरेंडर वैल्यू का 60% नहीं 50% ही ले पाएंगे आप लोन, और अगर फैमिली इनकम बेनिफिट के बिना लिया होगा लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन को तो आप सरेंडर वैल्यू का 60% तक लोन ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 7.80% होगा, जो कि चेंज होता रहता है। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वीडियो देखने के बाद में पॉलिसी डॉक्यूमेंट जरूर रीड कीजिएगा, अगर आपके पास ऑलरेडी पॉलिसी है तो अपना पॉलिसी बॉन्ड जरूर रीड कीजिएगा, क्योंकि जो मैं तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ हो सकता है कि आपके केस में वो अलग तरीके से कैलकुलेशन हो, ऐसा पॉसिबल है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।